पंजाब दे मौजूदा अते साबका मुख्यमंत्री इकट्ठे नजर आ रहे ने। यह मौका है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे पुत्र दे व्याह तो बाद नसीब होया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने पुत्र अते नूह नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आशीर्वाद दिवाउण दे लई उन्हां दे सिसवां फार्म हाउस पहुंचे। सिसवां फार्म हाउस दे विच चरणजीत सिंह चन्नी अपने परिवार समेत तकरीबन अद्धा घंटा रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने परिवार के साथ आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ बेटा है और उनके साथ उनकी पत्नी है। नई नई शादी हुई है चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की, तो परिवार के साथ जो है मिलने आए थे चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को। बता दें कि ये फर्स्ट मीटिंग है, पहली मुलाकात है चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से। ये पहली मुलाकात है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री बनने के बाद, और शादी के बाद जो लड़के की शादी उनकी हुई है उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ नवविवाहित जोड़े को मिलाने लाए थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से। तो ये पारिवारिक मुलाकात जो है कि चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। चरणजीत सिंह चन्नी दे मुख्यमंत्री बनने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल ए पहली मीटिंग हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी दा जदों नाम मुख्यमंत्री दे लई ऐलाना गया सी तां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। उसे दिन CLP की मीटिंग भी सदी गई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मीटिंग दे विच नहीं पहुंचे सन। कैप्टन अमरिंदर सिंह चरणजीत सिंह चन्नी दे सहुं चुक समागम दे विचों भी गैर हाजिर रहे। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दरम्यान रिश्ते बिगड़े सन। सिद्धू भी हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ही टारगेट करते सन। इस तो बाद हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना दिता सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चरणजीत सिंह चन्नी की तां तारीफां कीतियां, पर सिद्धू ते कैप्टन हमेशा ही भड़ास कढ़दे रहे। कैप्टन तां कांग्रेस छड्डण दा भी ऐलान कर चुके ने। अजिहे विच कैप्टन अते चन्नी की मीटिंग की पंजाब कांग्रेस दे लई अच्छे दिन लैके आवेगी, ये आने वाले दिनों के विच ही साफ होवेगा।